Hello students, Jai Swaminarayan. Today I am going to explain the lesson My Family. In this lesson we are going to learn about family. What is family? Family kya hai? Types of family. Kitne types ke families hote hain? Members of family. Family mein कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर्स होते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स. फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आज हम ये लेसन्स में इतना सीखेंगे. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर. फैमिली क्या है, बहुत सारे पीपल एक साथ में रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फैमिली. वी ऑल लिव इन अ फैमिली. हम सब किसके साथ रहते हैं, हमारी फैमिली के साथ. फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल वेयर द चाइल्ड लर्न. फैमिली क्या है, हमारी फर्स्ट स्कूल है जहाँ पे चाइल्ड लर्न करता है. फादर एंड मदर आर द पेरेंट. फादर और मदर को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट्स. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फैमिली. सम फैमिलीज आर बिग और सम फैमिलीज आर स्मॉल. सम फैमिलीज आर बिग और सम फैमिलीज आर स्मॉल. There are mainly two types of family. कितने टाइप की फैमिली होती है, टू टाइप्स की, बिग फैमिली और स्मॉल फैमिली. Now see here. I am Rohit. ये कौन है, रोहित. Rita and I live with our parents. रोहित किसके साथ रहता है, Rita. रीटा कौन है, रोहित की सिस्टर. रोहित, रीटा एंड हीज फादर एंड मदर. दिस फैमिली इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली. अंडरस्टूड. स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, सन, डॉटर, फादर, मदर. फोर मेंबर्स आर देयर इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली. There are four people living together. It's called small family. Now see this picture. There are many people in the family. There are many people in the family. ये family में क्या दिख रहा है आपको, बहुत सारे people एक साथ में रहते हैं. A family with parents, grandparents, uncle, aunt, and children are live together is called big family or joint family. Big family में क्या होता है, parents, grandparents, uncle, aunt, कजिन, ब्रदर एंड सिस्टर और चिल्ड्रन. ये सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली. नाउ सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स. अब हम क्या देखेंगे, जो फैमिली मेंबर्स साथ में रहते हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. नाउ सी, we must help our parents while doing some things for them. हमें क्या करना चाहिए, हमारे parents को help करना चाहिए. जब वो कुछ काम करते हैं तो उनको बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत तो हमें उनके काम में help करना चाहिए. Like I help my father in the garden. क्या कर सकते हो आप, father को garden में हेल्प कर सकते हो.
Yes. Now see here. I help my mother. I help my mother in the kitchen and dusting furniture. मम्मी को क्या कर सकते हैं हम हेल्प? किचन में हेल्प कर सकते हैं और जो फर्नीचर है उसकी डस्टिंग साफ करने में भी हेल्प कर सकते हैं. एंड आई कीप माई रूम नीट एंड क्लीन. मैं अपना रूम क्या करूँगा? नीट और क्लीन रखूँगा. एंड सी दिस पिक्चर. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट. We should take care of weak and sick people of the family. हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी भी हमें केयर करनी है. और हमारे फैमिली में अगर कोई सिक और वीक पीपल है तो उनकी भी हमें केयर करनी है. यस. और एंड वी शुड लव आवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर इन द फैमिली. हमें हमारे एल्डर्स की भी रिस्पेक्ट करनी है फैमिली में. अंडरस्टूड? नाउ टेल मी व्हाट योर लेसन. यस, वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन. वी लिव विथ अवर फैमिली. हम किसके साथ रहते हैं? हमारे फैमिली के साथ. एंड वी मस्ट Always shown respect toward our elders. जो हमारे से बड़े हैं उनको हमें respect देना है. और जो हमारे grandparents हैं, जो sick people हैं, उनकी हमें क्या करना है? Care करना है. And we must help our parents while doing some things for them. Okay then, bye.